आपके पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान देने वाला हूं। मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं 25 वीडियो बनाऊंगा। इस 25 वीडियो के अंदर पूरा स्टॉक मार्केट का ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा सिखाने वाला हूं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो लोग सवाल करते हैं, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, सर हम लोग फ्रेशर है, आप लोग जो पढ़ाते हो बहुत एडवांस लेवल का पढ़ाते हो, जो आपके स्ट्रेटजीज है वो काफी एडवांस है, लेकिन हम बिगनर्स हैं, हमें कुछ भी स्टॉक मार्केट का नहीं पता। तो एक छोटे से ट्रेडर या बिगनर के लिए किस तरीके से स्टार्ट करें, कौन से वीडियो को देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है, पहला कदम क्या रहेगा, तो ये सारी चीजें हम अपने इस आपके पाठशाला में मैं बनाने वाला हूं, रिकॉर्ड करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं जानते, और ये उनके लिए भी है जो स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि आधा नॉलेज भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। चलिए पूरा ज्ञान लेते हैं, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। अब ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपको समझ में आ रहा होगा ये है क्या। मेरे भाई, सिंपल आम भाषा में बात करूं, एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती में आप नोटिस करो, एक नॉर्मल कैंडल होती है, राइट, उसके ऊपर एक धागा रहता है, नीचे भी एक धागा रहता है। तो नीचे वाला आप नीचे लगा दो, ऊपर आग लगा लोगे तो मोमबत्ती की तरह काम करती है। तो यही मोमबत्ती किस तरीके से काम करती है स्टॉक मार्केट की दुनिया में, और आपको कैसे हेल्प करेगी पैसा बनाने में, और कौन सी मोमबत्ती कहां लगा लोगे सो दैट परफेक्टली मार्केट में काम करता है, ये भी मैं आपको अपना 18 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कैंडलस्टिक होता क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट की दुनिया से पैसा बनाने का, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने 25 वीडियो में आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन, कैंडलस्टिक, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक कैंडल, ठीक है, जिसमें विक होती है और यहाँ पे आप आग लगा देते हो जो आपके घर पे यूज होती है, बस वही सेम कैंडल्स है। अब क्या करेंगे, आग नहीं लगानी है, दैट्स ऑल। यानी कि सिंपल सा ये एक कैंडल रखेंगे। अगर मैं बात करूं, एक कैंडल में सबसे पहले चीज होती है एक बॉडी, इसको हम बोलते हैं रियल बॉडी। दूसरा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विक, यानी कि स्पाइक बोलते हैं, जो ये स्पाइक बना, यानी कि ये स्पाइक बोल देंगे, नीचे भी स्पाइक हो सकता है, राइट, ये नीचे स्पाइक हो गया, ये रियल बॉडी हो गया। तो दो चीजों से बनता है, एक बनता है विक और दूसरा रियल बॉडी से ये कैंडल कंप्लीट होती है, जो कि नॉर्मल हमारे घर में भी पाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसको कैसे रीड किया जाए, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये बोलना क्या चाहती है, स्टॉक मार्केट की खुद की लैंग्वेज होती है। अगर आपको ये कैंडलस्टिक्स पता है, यानी कि आपको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज पता है, फॉर एग्जांपल बताओ, अगर मैं आपको, आप इंडिया में रहते हो, आप प्लीज कमेंट करके बताएं आप कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। अगर आप इंडिया में हो, मैं आपको उठा के सीधे चाइना भेज दूं 15 दिन के लिए और वहां बोलूं कि भैया वहां से आपको बिजनेस करना है, कर पाओगे? क्योंकि आपको क्या चाइना की लैंग्वेज पता है, नहीं पता है। तो आपको चाइना की लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ेगी, फिर आप जब चाइना में जाओगे तो इजीली सरवाइव कर जाओगे, यस और नो? तो इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको सरवाइव करना है तो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एक बार आप स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज सीख जाओगे, तब आपको चार्ट खुद ब खुद बोलता हुआ मिलेगा, वो जो चार्ट आपसे बात कर रहा होगा ना, आप समझ पा रहे होंगे, और जब आप किसी की बातें समझ रहे होंगे तो कोई ग्लिच होगा, कोई दिक्कत होगी, पैसा भी इजीली आप बना सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो कैंडल्स क्या है, ये कैंडल्स एक प्राइस एक्शन को डिटरमाइन करता है, एक प्राइस एक्शन को शो करता है। सपोज करो एक प्राइस है 100 रुपए का, 100 रुपए से वो 200 रुपए चली गई, ठीक है, 200 रुपए का हाई बनाया, और 200 रुपए का हाई बनाने के बाद अब इसकी अगर मैं कैंडल बनाने की बात करूंगा तो कैसी बनेगी, ये कैंडल यहां से ओपन हुआ, राइट, यहां पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी कि यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुआ, मार्केट में 200 रुपए में आज क्लोज हो गया, तो ये कैंडल बन गई। सिंपल इस प्राइस एक्शन को ये दर्शाता है कि बॉस दिस इज कॉल्ड कैंडल। अगर बाई चांस एक प्राइस है 100 रुपए, 100 रुपए से नीचे आके 90 रुपए पे चले गया, तो क्या होगा, ऊपर ओपन होगा और नीचे ये आपका क्लोज हो जाएगा, ये ओपन होगा और ये क्लोज हो जाएगा, ये 100 रुपए का था, ये 90 रुपए का हो गया। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो प्राइस था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो गिर गया है। तो ये जो नीचे की तरफ जाएगा तो उसको रेड कैंडल बोल देंगे, और अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ऊपर की तरफ जाएगा उसको आप ग्रीन कैंडल बोल दोगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश कैंडल, और
इसको हम बोलेंगे बियरिश कैंडल, बियर कैंडल, बियरिश कैंडल। तो अगर ग्रीन कलर का कैंडल है उसको बोलेंगे बुलिश कैंडल, अगर रेड कलर का कैंडल है उसको बोलेंगे बियरिश कैंडल। अब इसको बुलिश एंड बियरिश क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपके माइंड में होना चाहिए और आया भी होगा। मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके आसपास मोहल्ले में, अगर आपने किसी बुल को देखा होगा, बुल देखा है मतलब जो सांड होता है, जो कहने का हिंदी में आसान शब्दों में, अगर आपने बुल को देखा होगा, अगर वो अटैक करेगा तो वो नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है या ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है, प्लीज कमेंट करके बताएं। तो वो बुल जो है नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है, तो इसका मतलब बुलिश यानी कि नीचे से प्राइजेशन ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं बात करूं बियर की यानी कि एक भालू की बात करूं, वो कैसे अटैक करता है, कभी आपने लाइव तो नहीं देखा होगा लेकिन गूगल जरूर करना भालू अटैक कैसे करता है। भालू नीचे की तरफ अटैक करता है, उसको ऐसे तहस नहस करने की कोशिश करता है, पंजाबी मारता है तो नीचे की तरफ मारता है और उसको जमीन पर घसीटते हुए उसको पेलते जाता है, रगड़ता जाता है। तो भालू का जो काम है बियर, बियर अटैक यानी कि नीचे की तरफ अटैक करता है, बुल अटैक यानी कि बुल की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इसको बुल और बियर क्यों कहा जाता है, सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए अब मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से, अब मैं बात करना चाहता हूं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। अब कंपोनेंट सिर्फ दो ही होते हैं, पहला जैसे कि मैंने बताया विक और दूसरा बताया बॉडी, ये टू कंपोनेंट से कैंडल बनता है। अब ये ही जो कैंडल है बहुत कुछ बोलना चाहती है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, चलिए उसको भी आगे समझ लेते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इसके जो एक कैंडल है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए कैंडल ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज अ कैंडल राइट, ये हमने बात करी। ये कौन सा कैंडल है, अगर ग्रीन कलर का कैंडल है तो, अगर ये ग्रीन कलर का कैंडल है तो ये कौन सा है, इसको बोलेंगे बुलिश, बुलिश, बुलिश कैंडल राइट। अब बुलिश कैंडल की क्या चीजें होती हैं, टू कंपोनेंट्स, ये हो गया बॉडी ठीक है, इसको बोलेंगे विक ठीक है, ये लोअर विक, ये अपर विक, या फिर इसको हाई भी बोल सकते हैं, दिस इज अ हाई। अगर इस कैंडल का हाई की बात करूं ये होगा, इस कैंडल के लो की बात करूं तो ये कैंडल का लो हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ अगर ये बुलिश कैंडल है तो ये नीचे ओपन होगा या ऊपर ओपन होगा, ऑब्वियस सी बात है ओपन इसका इस जगह पे होगा, यहां पे ये ओपन हुआ, पहले इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर ग्रीन 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 बना, उसके बाद और अच्छा ग्रीन बना था, अचानक से यहां पे एक विक आई यानी कि सेलर्स एक्टिवेट हुए और जाके यहां पे क्लोज हो गए। इसका मतलब क्या है, इस ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, इस ग्रीन कैंडल का मतलब ये दर्शाता है कितने बायर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट किए, कितने सारे बायर्स इसके अंदर आकर बाइंग करें, सो दैट ये कैंडल का मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर कैंडल में ग्रीन ग्रीन मतलब बायर एक्टिवेट है, बायर सारे कैंडल्स को बना रहे हैं, ये हो गया पावर। तो ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, हाई ऑब्वियस सी बात है सबसे टॉप पे होगा, बॉटम पे लो होगा, ये चार सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। इन शॉर्ट अगर ये कैंडल है तो भैया हाई, ये लो, ये ओपन और ये क्लोज होगा। इफ आई टॉक अबाउट, अगर अब मैं अगर बात करूं रेड कैंडल की यानी कि बियरिश कैंडल की, तो इसमें क्या होगा बताइए आप मुझे, ऑब्वियस सी बात है हाई तो सेम होगा, दोनों का ऊपर ही हाई होगा, लो भी नीचे ही रहेगा, ये कॉमन सेंस है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं है। अब अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ है तो ओपन कहां हुआ होगा, आज आज ओपन हुआ होगा ऊपर की तरफ और क्लोज हुआ नीचे की तरफ, तभी तो नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, तभी तो प्राइस एक्शन नीचे गया है। अगर मैं अब सोने की बात करूं, रिसेंटली आपने देखा होगा सोना एक ऑल टाइम हाई पे था, जैसे ही निर्मला मैम ने कस्टम ड्यूटी हटाने की बात करी अचानक से सप्लाई बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अचानक से प्राइस गिर जाएंगे। तो आपने देखा होगा एकदम से दो से तीन दिन के अंदर गोल्ड में अच्छी खासी 5-10% की गिरावट देखने को मिली, तो वो क्या हुआ, प्राइस ऊपर ओपन हुआ होगा, वहां से नीचे गिर रहा है मतलब 100 रुपए से नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है, तो उसको बियरिश मार्केट बोला जाता है, यानी कि बियरिश ग्रिप में मार्केट में होता है। ये बुलिश कैंडल, ये बियरिश कैंडल, सिंपल आसान। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं आपका डाउट ले लूंगा अभी के अभी। सो दोस्तों अभी तक हमने सिंपल सी चीजें सीखी कि कैंडलस्टिक होता क्या है, कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल ये एक रेड कैंडल है यानी कि बियरिश कैंडल इसको बोलते हैं, ये इसके ऊपर के विक्स हो गए, तो इसका हाई क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये हाई होगा, कितने कंपोनेंट्स है, एक हाई, दूसरा लो, तीसरा ओपन और चौथा क्लोज, तो ये चार चीजें होती हैं जो कैंडल्स को बनाती है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये कैंडल देख
देखकर कि इसका हाई का प्राइस क्या है, ये सब चार्ट में एडवांस वर्जन जब मैं लेके आऊंगा उसमें आपको मैं दिखाऊंगा, एवरीथिंग विल कम टू नो। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है। पता नहीं आपने क्यों इसको इतना टिपिकल बना रखा है, मैं बताऊंगा सब चीज। अच्छा, जिन लोगों को ये पीपीटी चाहिए कमेंट करके लिखो पीपीटी, सो दैट आप लोगों को मैं ये पीपीटी शेयर करूं। उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, आप जैसे ही पीपीटी लिखोगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के साथ मेरे साथ आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, मेरे साथ इन्वेस्टिंग जर्नी में जुड़ना चाहते हो, कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करा जाए, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरे साथ अकाउंट ओपन कर लीजिएगा जो डीमैट अकाउंट होगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास पहला कंडीशन डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो वो डीमैट अकाउंट का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसके माध्यम से आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसके बाद आइए पर्सनल ग्रुप में हम जुड़ जाते हैं आपकी पाठशाला के अंदर, और उसके बाद एडवांस वर्जन भी वहां पे आपको सीखने को मिलता चले जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कौन सा है, जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा एनगल्फिंग पैटर्न। अब इसके इंपॉर्टेंस बताता हूं, ये कैसे काम करता है और ये बोलना क्या चाहता है और इसको कहां पे सही जगह पे चार्ट पे यूटिलाइज करोगे, सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनगल्फिंग पैटर्न का आप ले सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिक एनगल्फिंग पैटर्न है क्या, ये किस बला का नाम है। एनगल्फिंग इन द सेंस, मैं अगर आपसे बोलूं डोमिनेंट करना है, यानी कि एक बॉस और एक एम्प्लॉइज का रिलेशन होता है, हमेशा बोला जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट, सीनियर इज ऑलवेज राइट, ये बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं एक छोटा सा बेबी, वो बेबी पापा को डोमिनेट करता है या फिर पापा बेबी को डोमिनेट करता है, कौन करता है? आप अपने घर में बताओ, मम्मी पापा को आप देखते हो या फिर आप अपने सीनियर्स को देखते हो, क्या वो आपको डोमिनेट करता है या आप उनको डोमिनेट करते हो? किसी ना किसी कंडीशन में, किसी ना किसी चीज में होगा ना डोमिनेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पे हम बात कर रहे हैं बायर और सेलर के बारे में, यानी कि एक बायर और दूसरा सेलर, ये दो ही होते हैं मार्केट में, या तो आप बाई करोगे या फिर सेल करोगे। तो एक बायर और एक सेलर, वो किसको डोमिनेट कर रहा है? अगर ये बायर है, ये बड़ा कैंडल होगा, ये छोटा कैंडल होगा रेड कैंडल, इसका मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है? बड़ा कैंडल डोमिनेट कर रहा है। अगर ये ग्रीन कलर का कैंडल छोटा कैंडल है और ये बड़ा कैंडल है, तो डोमिनेट कौन कर रहा है? रेड, यानी कि बेयरिश मार्केट आपका डोमिनेट कर रही है। सिंपल सिग्निफिकेंट, आइए चार्ट के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। एनगल्फिंग इन शॉर्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड कैंडल, ठीक है। नाउ अब देखो, ये तो हाई हो गया, ये लो हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, राइट राइट। अब ये रेड कैंडल बना। अब देखो अगले दिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ कि नहीं, क्योंकि क्लोज कहां थी? यहां थी। जब क्लोज यहां पे थी, अगले दिन मार्केट कहां खुला? इस जगह पे खुला। खुला और खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वापस आके ऊपर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया और पिछले दिन जो ओपन है उसके ऊपर जाके क्लोज कर गई। समझ गए? यानी कि कंडीशन क्या होती है तभी तो बड़ा कैंडल बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं इसको डोमिनेट करना है, कैसे करोगे? एक बड़ा कैंडल इसके ऊपर बना के, यस और नो? अगर मैं बोलूं इन दो कैंडल में कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, मान लो कोई भी कैंडल है, ये पावरफुल दिख रहा है, ये पावरफुल दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है ये पावरफुल दिख रहा है, इसमें ये पावरफुल है, ये पावरफुल, ऑब्वियसली बात है ये पावरफुल है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं बुलिश एनगल्फिंग की बात करूं, बुलिश एनगल्फिंग यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाना है और एनगल्फिंग होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन सा कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का कैंडल होगा, यानी कि पहला कैंडल रेड होगा, सेकंड कैंडल ग्रीन होगा, जो इसको एनगल्फ कर रहा होगा इसको पूरे का पूरा खा गया होगा। देखो ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आपको खाते हुए दिख रही है, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, पूरा का पूरा इसको डोमिनेट कर गया, पूरा का पूरा इसको खा गया, पूरा का पूरा इसको हैवी हो गया, हावी हो गया, बस इसी को बोलते हैं रेड एंड ग्रीन पैटर्न को बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ग्रीन एंड रेड पैटर्न इसको बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग, जैसा कि आप देख रहे हो।
इंपॉर्टेंट कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। अगर बुल डोमिनेट कर रहा है तो बुलिश एंगल्फिंग, अगर बियर डोमिनेट कर रहा है तो बियरिश एंगल्फिंग। सिंपल, रेड को बड़ा कैंडल कौन है, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग। ग्रीन को बड़ा कैंडल कौन है, यानी कि बियरिश एंगल्फिंग। सिंपल एंगल्फिंग पैटर्न इसको कहा जाता है। सो गाइस, अब सीखते हैं सेकंड पैटर्न जो मेरा सबसे फेवरेट है, हथौड़ा। हथौड़ा कौन सा? यस, आपने सही समझा, जो आपके घर में रहता है, हथौड़ा रहता है जिसको आप दीवार पे नेल ठोकने का काम करते हो। हाथ से आप कील से डाल सकते हो कि नहीं ना? अगर हथौड़ा मिल जाए तो कितनी बड़ी मोटी तगड़ी वॉल क्यों ना, नेल को आराम से ठोक सकते हो, राइट। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी एक हथौड़ा होता है जो कि प्राइस एक्शन को ठोकने के या फिर ऊपर ले जाने के काम आता है। अगर प्राइस एक्शन नीचे गिर रही है और आपको लगता है यार मेरी सुन नहीं रही है, तो वो हथौड़ा को लगा देना नीचे, तो फिर देखो वो स्टॉक प्राइस कैसे ऊपर की तरफ भाग जाता है। क्या बात कर रहे हो, इतना सिंपल है? यस भाई, इतना ही सिंपल है। चलिए अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, हथौड़ा कैसे बनता है, कैसा दिखता है, वो आपको पता है। अब चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं कैसा बनता है। तो अब मैं बात करूं, दिस इज कॉल्ड हथौड़ा, राइट। यानी कि अगर मैं बात करूं एक बॉडी और इसका जो ट्वाइस होगा वो डंडी होगी उसको पकड़ने के लिए, कंडीशन अप्लाई हथौड़ा तभी का। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इज दिस अ हथौड़ा, हथौड़ा इज दिस अ हथौड़ा, अगर मैं आपसे बोलूं इज दिस अ हथौड़ा, अगर मैं आपसे बोलूं इज दिस अ हथौड़ा, अब आप मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल हथौड़ा कौन सा है, और आपको अगर मैं आपको डिलीवरी करवाऊं फ्री में तो आपको इनमें से कौन सा हथौड़ा चाहिए? दिमाग लगाओ, सोचो। वो थॉर वाला नहीं जो हथौड़ा लेके घूमता रहता है भाई, ये अपना कैंडलस्टिक वाला हथौड़ा है। आप मुझे बताओ किसमें अच्छा ग्रिप मिलेगा और किसको बजाने में अच्छा मजा आएगा। ऑब्वियसली बात है, इसको पकड़ोगे कैसे? अगर ये 50% बॉडी होगी, 50% नीचे डंडी होगी, तो इसको कैसे यूज करोगे? हमेशा हथौड़ा नीचे से डंडी से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका जो पकड़ने का हैंडल होता है वो बड़ा होना चाहिए, सो दैट फ्रिक्शन मिल सके, सो दैट उसको आराम से स्विंग की तरह आप ठोक सको। तो जितना डंडी भी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी डंडी हो उसको हथौड़ा नहीं बोलेंगे। मिनिमम जो कंडीशन होती है वो होती है बॉडी का 2 times डंडी होनी चाहिए, यानी कि बॉडी कितनी है, इतनी बॉडी है, इसका 2 times कितना है, इतना डंडी होनी चाहिए, सो दैट आप उसको प्रॉपर पकड़ के हथौड़े की तरह यूज कर सकते हो। ये कंडीशन याद रख लेना, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। मिनिमम 2 times बॉडी का होना चाहिए, दिस इज अ परफेक्ट हथौड़ा। यानी कि तीसरा पॉइंट जो था ये परफेक्ट हथौड़ा था। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर हथौड़े की, देख लो। अब ये बनता कैसे है, इसका सिग्निफिकेंट कैसे है, इसको हम समझे कैसे, ये कहना क्या चाहता है, इसकी लैंग्वेज क्या है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे कि हमने एंगल्फिंग पढ़ा था, राइट। एंगल्फिंग में क्या पढ़ा था कि एक रेड कैंडल होगा, करेक्ट, और एक बियरिश कैंडल होगा। एक रेड कैंडल होगा और एक बियरिश कैंडल होगा। मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको क्लब कर दूं, दोनों को मिक्स कर दूं, तो आप मुझे बताएं क्या बना? वही बुलिश एंगल्फिंग, नाउ इट बिकम अ हथौड़ा, यानी कि हैमर उसको हमने बोले। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ग्रीन कलर का कैंडल जो इतनी, क्योंकि रेड यहां तक था तो ये ग्रीन बन जाएगा, और ये सारा का सारा रेड एंड ग्रीन मिला के इक्वल कर दोगे तो ये कैंडल बनेगा, यस और नो? बनेगा। तो भाई यही तो मैजिक है भाई। आपको किताब में लगता है कि अरे ये वो, भाई एक ही एक दो पैटर्न से पूरे 250 कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहता हूं अपने एडवांस क्लासेस के अंदर, तो मैं आज आपको दे रहा हूं, तो इसको सीखिए और समझिए और आगे बढ़िए। तो इंपॉर्टेंट, वही एंगल्फिंग को हमने एक सिंगल कैंडल बना दिया तो हथौड़ा बन गया। तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है? इसका सिग्निफिकेंट क्या था? एक बियरिश जिसको डोमिनेट कर गए बुलिश कैंडल। तो इसका मतलब भी क्या हो गया? इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे आसान शब्दों में बात करूं इस हथौड़े की, जब ये कैंडल ओपन हुआ, यहां पे ओपन हुआ, पहले गोइंग डाउन 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 डाउन, नीचे गया होगा, यस सर नो? नीचे गया। तो यानी कि रेड कैंडल बनी होगी जब ओपन होते हैं, रेड रेड रेड, तो रेड कैंडल बनी होगी। यानी कि कौन डोमिनेट थे? बेयरिश कैंडल, यानी कि जो सेलर्स थे वो हैवी हो रहे थे बायर्स के ऊपर, इसलिए स्टॉक नीचे गया। अब अचानक से लोअर लेवल पे बाइंग आनी चालू हो गई, डबल क्वांटिटी में बाइंग, मिनिमम डबल क्वांटिटी होगी तो ही प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, एक बटिस्टा दो बटिस्टा कौन जीतेगा?
दो बटिस्टा जीतेगा, राइट, एक बटिस्टा और एक बटिस्टा। अब कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। तो अगर इसको गिराते हुए 1,00,000 सेलर है तो इसको चढ़ाने के लिए क्या 1,00,000 सेलर से बायर से काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो आपको मिनिमम 2,00,000 बायर होंगे तभी वो उसको दबा पाएगा, धमका पाएगा और जीत पाएगा। एम आई राइट? सेम कंसेप्ट, जब ये प्राइस एक्शन नीचे जा रहा था अचानक से यहां पे बायर होंगे डबल, मिनिमम डबल, 3 गुना भी, 4 गुना भी, 5 गुना भी होगा। वो जितनी स्पीड से क्या होगा इसका मतलब उतनी स्पीड से बायर आया। अगर स्लो गया इसका मतलब डबल क्वांटिटी में कम से कम आए होंगे। तो जैसे ही नीचे से आया देखो अचानक से क्या हुआ, ये रेड पूरा का पूरा रेड वापिस हो गया, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया और अचानक से बॉडी बन गई, यानी कि ऐसा बन गया। तो ओपन यहां पे हुआ, ये लो बनाया, क्लोज कहां हुआ? ऊपर क्लोज हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल बन गया। तो यानी कि इस जगह पे क्या हुआ था, मैं अगर आपके लिए क्लीन बना दूं, तो इस जगह पे क्या हुआ, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? पहले सारे के सारे सेलर्स थे, अचानक से बायर्स आए और पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल बन गया। तो किसने किसको डोमिनेट किया? तो सेलर को बायर पूरा का पूरा खा गए और उसके घर के अंदर जाके घुस गए, यानी कि यहां से जो ओपनिंग थी अब ऊपर जाके क्लोज हो गई, ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। समझ में आया? सिंपल आसान, जो भी बुलिश एंगल्सिंग था उन दो कैंडल को मिला देंगे, क्लब कर देंगे, तो इस तरह का कैंडल बन जाएगा। और ये वाकई में पावरफुल होता है क्योंकि इसके अंदर बायर भी आया, सेलर भी आया, दोनों पार्टिसिपेट किए और दोनों जब पार्टिसिपेट किए हमें वेट करना था कौन जीत रहा है। अब इसमें कौन जीता? बुलिश यानी कि बुल यानी कि बायर जीत गए। तो आपको बाइंग करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट मुझे भी समझ में आए जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ वो प्रॉपर आपको पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। सो गाइस चलिए अब हैमर पैटर्न जो है, जो हैमर हमने अभी सीखा उसको लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है चार्ट के अंदर लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस के साथ। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने निफ्टी 50 का, जो हमारा सबका फेवरेट है। अब देखो ये चार्ट है, यानी कि एक ट्रेंड जो होगा अगर वो नेगेटिव ट्रेंड होगा और साथ में एक हैमर बनेगा, हैमर पैटर्न बनेगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बायर अब एक्टिवेट हो गए। अब बायर बोल रहे हैं कि भैया हम जीतेंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे। तो भैया इसी कैंडल पे लो पे ये बना और उसका प्राइस इज गोइंग अप। सिमिलरली आप देखो प्राइस एक्शन एक आया डांस करता हुआ, अचानक से फॉल आया और देखो ये कैंडल्स कौन से हैं, प्रॉपर एक बुलिश कैंडल बन गया, हैमर बन गया। अब थोड़ा सा हैमर 100% कुछ नहीं होता, कई बार फॉर एग्जांपल हैमर आपका ये भी होगा, ठीक है, हल्का सा ऊपर वीक भी हो सकता है, चलेगा, लेकिन वो जो वीक होगी वो 19 भी छोटा मोटा वीक होगा तो चलेगा। अगर अचानक से मैं इतनी बड़ी वीक कर दूं, कभी ऐसा हैमर आपके घर में देखा है? नहीं ना। हैमर में भी थोड़ी सी वीक रहती है, नो प्रॉब्लम, बराबर रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो 19 भी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो यहां पे इसी तरीके का पैटर्न बना है, जबरदस्त 2 हैमर्स लोअर लेवल पे मिले, प्राइस एक्शन शूट अप, एकदम से ऊपर भाग गया। अब बाइंग कहां करना है, सेल कहां करना है, वो मैं आपको एडवांस एनालिसिस के अंदर बताऊंगा। अभी ये पैटर्न आपको समझ में आया, यस और नो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो आपने समझा एक रेड और ग्रीन में आपको नहीं फंसना है, ओवरऑल एनगल्फिंग में सोचना है, ओवरऑल पावर देखना है कि वो बायर साइड में पावर था या फिर सेलर साइड में पावर था। अब इसको और आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं बुलिश हैमर अगर रेड बने तो वाई क्या होगा। अब यही पैटर्न, प्राइस एक्शन इज कमिंग डाउन 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 डाउन, सेम पैटर्न बन जाए तो आपको क्या, इसमें तो चलो समझ में आ गया कि बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहां पे आपको दिख रहा है कि भैया जो बुल्स हैं वो पावरफुल दिख रहे हैं, इस ग्रिप में अच्छा खासा आपको दिख रहा है, लेकिन अगर ये रेड कैंडल बन जाए तो क्या बियर पावरफुल हो गए? नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड इज ऑलरेडी डाउन था। तो अगर ये रेड बने या ग्रीन बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको भी सेम साइकोलॉजी के साथ करूंगा, थिंक फॉर द बाइंग साइड। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, आप यहां पे देखो ओपन यहां पे हुआ, सिर्फ इसकी पोजीशनिंग ओपन और लो की है और कुछ भी नहीं है। ओपन यहां पे हुआ, पहले डाउन हो गया, इतने सारे रेड कैंडल बने, उसके बाद पूरा का पूरा बायर आ गया। सिमिलरली इसमें ओपन ऊपर हुआ, पहले डाउन गया, यानी कि इतने बड़े रेड कैंडल बना, उसके बाद अचानक से बायर आ गए। तो अगर मैं आपसे बात करूं आसान शब्दों में, ये पूरा का पूरा बाइंग ग्रिप में है, राइट,
बाइंग ग्रिप में है और ये पूरा का पूरा बाइंग ग्रिप में, राइट, नीचे से बाइंग आई है, इतने से सेलर है, यहां पे पूरे के पूरे बायर है, यहां पे इतने बायर है और इतने सेलर है, यस और नो? अब आप मुझे बताओ इसमें कौन जीत रहा है, बायर जीत रहा है या सेलर जीत रहा है, डोमिनेट कौन कर रहा है, किसके पावर में ग्रिप है मार्केट का? दिस इज व्हाट, आपको कलर्स नहीं देखने हैं, ओनली थिंग फॉर द पैटर्न, जो पैटर्न ग्रीन और रेड हो, आई डोंट केयर, ये लोगों को पता ही नहीं होता है, रेड बोले तो बोलते हैं बेरिश है, ग्रीन बोले तो बोलते हैं बुलिश है, ये आपको वही पढ़ा सकता है जो मार्केट में खुद एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठा हो, वो नहीं जो आपको किताब से पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा मेरी बात। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसमें आपको करना क्या होता है, ये देखो सेम कंसेप्ट जो हैमर हमने पढ़ा ऐसा, इसको हमने बना दिया उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड हैमर, हैमर लो पे बनना चाहिए या फिर डाउन पे बनना चाहिए या फिर लो पे बनना चाहिए, राइट, लेकिन इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बनना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए या फिर हाई पे बनना चाहिए, ये सिंपल सी चीज होती है इसके और इसके अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए, बाकी एवरीथिंग इज सेम, हाई लो ओपन क्लोज, ओपन क्लोज हाई और लो, लिटिल टू नो लोअर शैडो, यानी कि ऊपर की तरफ बड़ा शैडो बनेगा, अगर ऊपर की तरफ बड़ा शैडो बनेगा इसका मतलब ये कमजोर कैंडल है, बियर के ग्रिप में ये कैंडल है, तो मार्केट नीचे कभी भी आ सकता है, तो अगर ऑलरेडी एक स्टॉक नीचे आ चुका है, अगर ये कैंडल यहां पे बनेगा तो ये काम करेगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, मैं इंटरेस्टेड कब होता हूं जब ये ऊपर जाता है मार्केट और फिर टॉप पे अगर ये बियरिश दिखा रहा है तो इसको खाने के लिए मार्केट में सेलिंग आएगी और यहां पे एक बड़ा टारगेट मिलता है, इसलिए इन्वर्टेड हैमर हमेशा हमें टॉप पे देखना चाहिए तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। गो एंड डू बैक टेस्टिंग, अपने चार्ट लगाओ, डेली टाइम फ्रेम पे लगाओ, जो भी आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, निफ्टी, इक्विटी स्टॉक्स, जो भी आपका स्टॉक है, जाके देखो क्या टॉप में यही कैंडल बना था क्या गिरने से पहले, आप जिस भी स्टॉक में फंसे हुए हो जाके जरूर चेक करना, मोस्ट ऑफ द टाइम यही कैंडल बना होगा जो कि आपको गिरता हुआ दिखा होगा और आपने नोटिस नहीं किया होगा इसलिए लॉस में बैठे हो। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न भी बोला जाता है, अगर मार्केट में डाउन हो बॉटम पे ये चीज आए तो मार्केट रिवर्स हो जाता है, अगर मार्केट में ट्रेंडिंग हो और टॉप पे अगर इन्वर्टेड हैमर हो जाए तो मार्केट रिवर्स हो जाता है, यानी कि चढ़ती हुई चीज को घुमाना और गिरती हुई चीज को नीचे से ऊपर घुमाना, दीज आर ऑल कॉल्ड स्विंग, यानी कि रिवर्स स्ट्रैटेजी बोला जाता है, तो ये जो भी कंसेप्ट आपको मिले जो कि आपको बोला जाता है रिवर्सल पैटर्न, इन सबको बोला जाता है रिवर्सल पैटर्न, एनगल्फिंग और साथ ही साथ हमने पढ़ा हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये सारे के सारे रिवर्सल पैटर्न है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए गाइस अब एक और पावरफुल पैटर्न, अब ध्यान देने वाली बात ये है जो हमने अभी पैटर्न्स पढ़े हैं क्या वो वाकई में पावरफुल होते हैं? मेरे दोस्त हर चीज पावरफुल होती है अगर मार्केट में वो एग्जिस्ट कर रही है, इंपॉर्टेंट क्या है आप उस चीज को कितना पावरफुल यूज कर पा रहे हो। अब अगर मैं आपको बात करूं लैम्बोर्गिनी जिसकी स्पीड आपको पता है कितनी पर किलोमीटर आवर की स्पीड है, अगर मैं आपको बात करूं मारुति 800 उसकी स्पीड भी आपको पता है पर किलोमीटर कितनी है, अब उबड़ खाबड़ रोड में लैम्बोर्गिनी चलाओगे तो काम आएगी? नहीं आने वाली। अब अच्छे फ्लैट मक्खन रोड में विदेशों में जाके अगर गाड़ी चढ़ाओगे तो मारुति 800 चलाना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो गाड़ी तो दोनों चल रही है, गाड़ी दोनों जगह पहुंचा रही है, इंपॉर्टेंट क्या है आप किसको कहां पर यूज करना चाहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर आपको पैसा बनाना है, कैंडलस्टिक आपको सीखनी है, तो सीखने के साथ साथ आपको समझ में आना चाहिए कौन सा कैंडल कहां पर आएगा तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगा, उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। अब मैं बात करता हूं एक और पैटर्न, ये भी पावरफुल क्यों है वो भी मैं बताता हूं, डोजी। डोजी क्या होता है? सिर्फ एक प्लस होता है, खत्म डोजी। डोजी की कहानी यहीं तक होती है, एक प्लस हो जाएगा। अब डोजी बहुत सारे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल चुटकू सी, फॉर एग्जांपल थोड़ी बड़ी, फॉर एग्जांपल थोड़ी बड़ी, इसको बोलूंगा डोजी, इसको बोलूंगा डोजी, इसको बोलूंगा डोजी, बट इसके आगे लगा दूंगा लॉन्ग लेग,
लॉन्ग लेग डोजी, लंबी डंडी है इसलिए लॉन्ग लेग डोजी हो जाएगी। नॉर्मल डोजी को सिर्फ डोजी बोले, उसको स्मॉल लेग डोजी नहीं बोलोगे, नॉर्मल डोजी। और जिसके बड़ी डंडियां हो जाएंगे, पैर बड़े हो जाएंगे, तो लॉन्ग लेग डोजी हो जाता है। बस इतना ही सिग्निफिकेंट होता है। अब ये होता क्या है, बेसिक अगर मैं बताऊं, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब इसके पीछे राज क्या है वो समझना। मैं अगर दाव लगाना चाहूंगा, मेरी बात समझना, अब अगर मेरे से आप बोलोगे कि सर आप हर डोजी पे दाव लगाओगे, वेट, पहले समझते हैं कि क्यों लगाना चाहिए, क्यों पावरफुल है। मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसका हाई ये है, लो ये है, ओपन इधर ही हुआ होगा, क्लोज इधर हुआ होगा, यानी कि रेड में है तो ऊपर ओपन हुआ होगा और नीचे की साइड क्लोज हुआ होगा, राइट। अब ध्यान से समझना जो मैं कहना चाहता हूं, जब ये प्राइस ओपन हुआ तो पहले हो सकता है ऊपर गया होगा या फिर नीचे गया, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं ऊपर गया होगा। ऊपर गया यानी कि ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ, यस और नो? प्राइस अगर नीचे ओपन हो गया, ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ग्रीन कलर का कैंडल बना होगा। अब यानी कि ग्रीन कलर का कैंडल बना होगा, राइट। अब जब ये ग्रीन कलर का कैंडल बना है, अचानक से ऊपर से आ गए सेलर, दबा के सेलर, कम से कम डबल क्वांटिटी में सेलर आ गया, तो क्या हुआ होगा, इन ग्रीन वालों को कूटना चालू किया होगा, कूटना चालू करा होगा, तो वापिस ये कैंडल क्या बना होगा, नीचे की तरफ जाता चले गया होगा, नीचे की तरफ जाता चले गया होगा। यानी कि जो ये ग्रीन बना था, अब ये वापिस आके नीचे, यानी कि जितने ग्रीन थे उन सबको बुलिश खाया, बेरिश खाया, बेरिश ने एनगल्फ कर दिया, पूरा खा गया, पूरा खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अब देखो बेरिश थोड़ा सा रुके नहीं, और एग्रेसिव नीचे की तरफ बनाया, एक लो तक नीचे तक गए हैं, यानी कि अब बेरिश पावरफुल हो गए, अचानक से लोअर लेवल से भी बाहर आ गए और उसने वापस आके खड़ा कर दिया। तो इस कैंडल को देख के समझ में क्या आया, एक टाइम पे अच्छे खासे बाहर आए, दूसरे टाइम से बहुत सारे सेलर आए, अचानक से फिर बाहर, और वो कंफ्यूज हो गया, तो 50-50 भी हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, अगर मैं बात करूं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और दूसरी जगह मैं बात करूं, सर वो बताओ टमाटर का वो इतने बोल रहे थे ना, क्या बायर्स और सेलर्स में अब डिमांड करते वो कम कर रहे हैं? नहीं, अगर मैं बात करूं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो मेरे दोस्तों आप हर चीज छोड़कर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? हर मीटिंग इंपॉर्टेंट, आप लगता है ना यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, पूरे शिद्दो शहद से पूरा सेटअप बना के देखते हो। वही किसी फुद्दू कंपनी के साथ अगर मैच चल रहा हो तो आप इग्नोर करते रहे, इग्नोर करो। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडल पावरफुल है, कब हमें ट्रेड करने का सोचना, क्योंकि पूरे दिन तो ना ट्रेड करना है, 9:15 मार्केट खुलेगा, 3:30 बंद करेगा, क्या बच्चों की तरफ पूरे दिन ट्रेड करते रहोगे? नहीं, तो आपको वेट करना है उस अपॉर्चुनिटी का कि एक बढ़िया मैच कब हो। अब वो मैच कब होगा, कब, जब एक अच्छा फाइटर एक अच्छे फाइटर के साथ फाइट कर रहा होगा, तब मजा आता है कि कौन जीतने वाला है, उसको देखने के लिए मजा आता है। जो डोजी की मैं बात कर रहा था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो बड़े ऑपरेटर जब आपस में फाइट करेंगे ना, और उसके बाद जब जीतेगा उसके साथ आपको होना है, उसके साथ आपको दोस्ती करनी है, अदरवाइज जबरदस्ती मार्केट में आके घुसना नहीं है, क्योंकि घुसोगे बड़ा ऑपरेटर आपको लपेट देगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पहले सेलर आए, राइट, पहले पूरे सेलर आए, एक सेकेंड, अब इंपॉर्टेंट क्या है, पहले देखो पूरे बायर्स आए और उसके बाद पूरे सेलर्स आए, यानी कि ये सारे बायर्स को पूरे के पूरे सेलर्स खा गए और अचानक से फिर से लोअर लेवल पे बाई आ गए और ये कैंडल हो गया न्यूट्रल। तो इसको बोला जाता है न्यूट्रल कैंडल, ये न्यूट्रल कैंडल है, इसमें ना बायर जीता ना सेलर जीता, बट एक अच्छी फाइट हुई कि नहीं हुई, एक अच्छा पावरफुल मैच हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। बायर और सेलर दोनों आपस में अच्छे से लड़े, तब आपको अलर्ट होना होता है, तब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जब दो ऑपरेटर आ जाएंगे ना, वो अच्छे से जब मेहनत करेंगे ना, तो फिर जो जीतेगा उसमें मजा आता है देख करके, यार वाओ। तो हमें उसी पैटर्न का वेट करना होता है, फिर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। अब इसकी खासियत क्या है, ध्यान से समझना, कोई कलर नहीं होता, या फिर बिल्कुल छोटा सा कलर होगा, बिल्कुल छोटा सा नेग्लिजिबल कलर होगा, यानी कि जहां पे ओपन होगा वहीं पे क्लोज हो जाएगा और एक हाई और लो बन जाएगा, दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट, जहां पे ओपन होगा वहीं पे क्लोज होगा। आइए मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में लेके चलता हूं, वहां पे आपको बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज, आप देख सकते हो, सो आप देख सकते हैं यहां पे एक रैली, राइट,
एक कैंडल, अब देखो इतने सारे रेड 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 कैंडल बन रहे होंगे या फिर बियर मार्केट में होगा, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा, अचानक से ये डोजी क्यों बना? यानी कि यहाँ पे बायर जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया चेक करने के लिए इसमें कितना स्ट्रेंथ है, उनका मूड हुआ होगा यार इतना गिर गया अब तो बाइंग कर लेता हूँ अच्छे रेट पे मिल रहा है। तो जब ऑपरेटर आएगा तो यहाँ पे जो सेलर है और जो बायर है दोनों आपस में फाइट करेंगे, तब जाके ये इस तरह कैंडल बनता है, जीता कोई नहीं बट फाइट हुई है। तो जब जब ऐसा सिनेरियो मिले आप अलर्ट पे लगा लो उस स्टॉक्स को, और इस हाई के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट वापस ऊपर जाने की। अब इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है वो आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, एक-एक चीज आपको एक-एक चार्ट लाइव एग्जांपल दूंगा और लाइव सेशंस भी हम करेंगे। आपका मैं स्वागत करता हूं, फॉलो करो और वीडियो को ज्यादा से शेयर करो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। सो दोस्तों अब हैं बहुत सारे डोजीज के नाम जो बुकिश नॉलेज में, वो भी मैं आपको दे देता हूं आप कंफ्यूज ना होना, जो कि मैंने बताया डोजी जो कि स्टैंडर्ड डोजी होता है। अब यही डोजी का लॉन्ग बना दूं तो लॉन्ग लेग डोजी हो गया। अब प्राइस डोजी यानी कि विक ऊपर बनाई नहीं, यहीं ओपन हुआ, यहीं रहा, यहीं रहा, यहीं रहा, यहीं यहीं क्लोज हो गया, देयर इज नो हाई देयर इज नो लो, उसको बोलते हैं प्राइस डोजी, किसी काम का नहीं है, इग्नोर कर देना। दूसरा होता है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन क्या? कब्र। जो मुस्लिम्स भाई होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, जैसे अपने मुर्दा को जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो कब्र को, तो बस वही दिखता है, उल्टा टी आप बोल लो या फिर कब्र बोल लो, तो ये हो गया एक बड़ा सा लेग आपको मिलेगा, विक मिलेगा और नीचे छोटा सा फाइट मिलेगा। इसका मतलब क्या है? पहले क्या होगा? बाई 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 बाई, अचानक से कौन आया? सेलर 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 सेलर, तो जितने बायर थे उन सबको सेलर खा गया और आके यहीं पर अटक गया, राइट? तो इसको बोलते हैं ग्रे स्टोन डोजी। अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है? अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और अचानक से ये बन जाए, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और अचानक से ये बन जाए, इसका मतलब प्राइस विल कम डाउन, क्योंकि ये किसके ग्रिप में है? ये बियर के ग्रिप में है, सेलर के ग्रिप में है, एनी टाइम स्टॉक विल कम डाउन, राइट? ये होता है ग्रेवस्टोन डोजी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ड्रैगन फ्लाई डोजी, जस्ट कैपिटल टी, ये उल्टा टी, ये सीधा टी, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई कौन सा? याद है बचपन में मैंने तो बहुत खेला है, आप कमेंट करके बताओ आपने खेला क्या। सर जो एक ड्रैगन फ्लाई करके एक होती थी बरसात के टाइम पे बहुत सारी उड़ती है, नॉर्थ में तो बहुत होती थी, है ना, उसकी पूंछ में हम धागा बांध देते थे, तितली टाइप की, तितली तो फिर भी बड़ी होती थी, एक जो जिसके थोड़े से पंख होते थे, अगर आपने देखा होगा, मैं अगर बात करूं ऐसे ऐसे होती थी और ये एक ऐसी, ये एक ऐसी होती थी, होती थी, हम क्या करते थे धागा यहाँ पे बांध देते थे और ये उड़ती रहती थी, हम पीछे पीछे धागा लेके भागते रहते थे। किस किसने किया कमेंट करके बताना, मैंने तो बहुत खेला है सर, मैं तो बहुत खुरापाती रहता था इस तरह कामों में। तो बस वही ड्रैगन फ्लाई है, इस तरीके की बन रही है, उसी को स्टॉक मार्केट। भाई स्टॉक मार्केट को जितना सिंपल लैंग्वेज में सीखोगे ना उतने मजेदार है, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना सर में भी दर्द, घुटनों में दर्द, पूरे बॉडी में दर्द होगा और पैसा नहीं बनेगा तो अकाउंट में भी दर्द होना चालू हो जाएगा। इसलिए सिंपल रखो, आसान रखो, देखो सिंपलिसिटी से क्या पैसा बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर प्राइस एक्शन ऊपर है और इस तरह से बनता है तो इसका मतलब अब बियर के सिकंजे में ये मार्केट आ गया, एनी टाइम इट विल गो डाउन की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल, प्राइस एक्शन ऊपर यानी कि बुल मार्केट था, अचानक से ग्रेवस्टोन डोजी बना, उसके बाद बियरिश मार्केट हो गया, यानी कि ये एक रिवर्सल सेटअप है, ऊपर जाके रिवर्स कर देता है मार्केट को। इफ आई टॉक अबाउट नाउ ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका मतलब ये कहां चाहिए, टॉप पे चाहिए बॉटम पे चाहिए? बॉटम पे चाहिए, यस ब्यूटीफुल आपका आंसर। तो मेरे दोस्तों प्राइस एक्शन इज कमिंग डाउन डाउन डाउन, नीचे ग्रेवस्टोन ड्रैगन फ्लाई बना और ड्रैगन फ्लाई बना तो मार्केट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, यहां से एक पावरफुल मिलता है, बायर के ग्रिप में मार्केट आने की पूरी कोशिश करता है, ये इसका सिग्निफिकेंट होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, चलिए अब बात करते हैं मेरा तीसरा पैटर्न, जो कि मेरा एक और फेवरेट पैटर्न है, क्योंकि मैं आपको लिमिटेड पढ़ाने वाला हूं और जो पढ़ाऊंगा 100 सुनार के किंग रिसर्च के बराबर का पैटर्न होगा, आप वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में लगा लेना, जबरदस्त काम करने वाला है, 100% कुछ नहीं है बट प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, ये मैं आपको कह सकता हूं। चलिए अब जो तीसरा पैटर्न है बहुत फेवरेट है मेरे दोस्तों, बुलिश हैरामी, हरामी नहीं, हैरामी,
ये जापानीज कैंडलस्टिक में एक लैंग्वेज है हैरामी, जिसका नाम होता है प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि मदर जिसके पेट में एक बच्चा है उसको हैरामी बोलते हैं जापान में, जापानीज लैंग्वेज में। तो आप इंडियन लैंग्वेज मत यूज करना, कल से पता चला दोस्तों वो हैरामी इधर आ, फिर आप बोलोगे अरे प्रेग्नेंट लेडी को बुला रहा था मैं, ऐसा नहीं है राइट। तो प्लीज गाइस ध्यान रखिएगा, किसी को गाली नहीं, ये एक वर्ड है जो जापानीज लैंग्वेज में हैरामी बोला जाता है, यानी कि बुलिश हैरामी। अब जैसे बुलिश नाम के आगे है, समझ में आ ही गया होगा, ये एक ऐसा कैंडल जो कि बुल के ग्रिप में होता है, यानी कि वो दिखाता है कि मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूं, बुलिश होने वाला हूं राइट। इफ आई टॉक अबाउट नाउ यू कैन सी बुलिश हैरामी कैसा बनता है, चलिए वो सीख लेते हैं। नॉर्मल एक बड़ा सा कैंडल, ठीक है, डन, फर्स्ट कैंडल, रेड कैंडल। नाउ आई विल टॉक अबाउट एक छुद्दू सा कैंडल जो कि ग्रीन कलर का कैंडल होगा, जो कि ग्रीन कलर का कैंडल होगा, यानी कि एक मदर कैंडल जो एक बड़ी हट्टी कट्टी कैंडल और छोटा सा एक बेबी कैंडल यानी कि हैरामी कैंडल। तो इस डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या बोला जाता है, बुलिश हैरामी पैटर्न, यानी कि ये कितने कैंडल्स को मिला के बन रहा है, टू कैंडल्स को मिला के बन रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, डोजी पढ़ा, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इससे पहले हमने पढ़ा हैमर पढ़ा, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। जब दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स का मिल जाए उसको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे राइट। अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैंडल्स का बन जाए तो उसको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है, वो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। फिर मैं बोल रहा हूं एक मदर कैंडल, उसके पेट में छोटा कैंडल, अगर ये बन जाए तो समझ लो बेरिश हरामी है, बुलिश हरामी है। अब बुलिश हरामी कंडीशन क्या है, पहला कैंडल क्या होगा, रेड कैंडल होगा, सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल होगा। अब पहला कैंडल रेड कैंडल, सेकंड कैंडल छोटा कैंडल, बुलिश हरामी क्यों, आप मुझे बताओ। एक मदर के पेट में एक बेबी रहता है, स्विंग्स आते हैं, कभी मन करता है आइसक्रीम खाने का, कभी मन करता है कुछ करने का, कभी इमली खाने का, कभी बहुत सारी चीजें रहती है। वो मदर मम्मी का मन करता है या बच्चे का मन करता है, मैंने तो सुना है बच्चे का मन करता है। तो भैया बच्चा जो मन करता है मदर को वो करना पड़ता है, डोमिनेंसी किसकी रहती है, बेबी की रहती है, छोटा बेबी है, ध्यान रखते हो, सारा परिवार मिलकर उसका ध्यान रखता है। तो चौड़े में अगर हल्का सा भी रो देना, अरे 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 मेरा बच्चा मेरा बच्चा, पूरे घर को हिला के रख देता है। तो डोमिनेंस यहाँ पे किसकी है, मदर की है, बच्चे की है ये बच्चा। इसलिए जो छोटा बच्चा होता है बहुत प्यारा होता है, बहुत क्यूट होता है, पूरी दुनिया तो नहीं बोलूंगा, पूरे घर के परिवार उसको ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि पूरे घर को हिला के रख देता है राइट। इसलिए पावरफुल कैंडल कौन है, ये छोटा बेबी कैंडल है, ये जैसा बोलेगा मदर को पूरे परिवार को वैसा ही सुनना पड़ेगा। आपको समझ में आया। अब यही सेम चीज, पहला रेड कैंडल, सेकंड देखो छोटा सा ग्रीन कैंडल, यानी कि मम्मी के ऊपर सारा गेम है। अगर मम्मी हट्टी कट्टी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेबी इज ऑल्सो हट्टा कट्टा, अगर मम्मी थोड़ी सी कमजोर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेबी ऑल्सो बहुत कमजोर सा राइट। अब देखो यहां पे बड़ा मदर छोटा बेबी, प्राइस एक्शन विल गो अप राइट, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। अब बेरिश हरामी में क्या होगा, फर्स्ट कैंडल क्या होगा, ग्रीन कलर का कैंडल होगा और उसका जो बेबी होगा रेड कलर का कैंडल होगा, और जो बेबी होगा वो अपना काम करवा रहा होगा, यानी कि जो बेबी होगा वो रेड कलर का कैंडल होगा। तो इसमें किसकी जीत होने वाली है, मम्मी की या बेबी की, बेबी की जीत होने वाली है, बेबी क्योंकि बहुत छोटा है और आप लोग प्यार में जैसे ही बड़ा होता है दो कान के नीचे लगाते हैं निकल जाते हैं, लेकिन जब छोटा होता है उल्लू करते हो ना, तो ये साइकोलॉजी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर भी, इसी चीज को अप्लाई करना है स्टॉक मार्केट के अंदर राइट। तो जब ये होता है तो बेबी कौन से कलर का है, रेड कलर का, तो मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट बेरिश हरामी, आप ये पढ़ सकते हो भाई, मैं आपको आसान शब्दों में पढ़ाने की कोशिश करिए, बाकी आप ये पीपीटी को रोज करिए पढ़ लेना। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए मेरे साथ अकाउंट ओपन करा लीजिए, मैं आपसे पर्सनली, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए कमेंट कर दो, अगर आपको मुझे मेरा ये पीपीटी चाहिए तो कमेंट कर दो पीपीटी, सो दैट मैं आप लोगों को ये पीपीटी शेयर कर दूं और आप लोग भी इसको आराम से अपने फोल्डर में सेव करके अपने लैपटॉप में रख लीजिएगा। ये देखो अप ट्रेंड, हरामी पैटर्न आया, बेरिश हरामी, एक ग्रीन कैंडल, छोटा बेबी, बेबी क्या करेगा नीचे की तरफ धकेलता चले जाएगा, ये सिंपल सा पैटर्न है। अब
अब मैं बात करने वाला हूं अपना चौथे फेवरेट पैटर्न, जो अब तक का मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल फेवरेट पैटर्न है, जिसका नाम है माराबोजू कैंडल। नाम तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, कैंडल भी बहुत खतरनाक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सो गाइस अब आप देख रहे होंगे ये है माराबोजू कैंडल। इसकी खासियत पता है क्या होती है? ऊपर देयर इज नो विक, बॉटम पे देयर इज नो विक, और होगी भी चिन्नी सी होगी, चिंदी सी होगी। वो हमें कैसे पता चलेगा चिन्नी और चिंदी क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी की बात होती है, यानी कि जो ओपन होगा और जो क्लोज होगा, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, वॉट एवर इट इज, देयर इज नो हाई देयर इज नो लो। यानी कि अगर बाई चांस ये रेड कलर का कैंडल है, ओपन यहां हुआ सीधे यहां पर क्लोज हो गया, बात खत्म। देयर इज नो सेलर, सॉरी there is no buyer at all, there is no buyer in this candle, only seller, 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 seller. If I'll talk about this candle, is this a marabuzu? No, क्योंकि इसके ऊपर wick हो गई है, आप देख सकते हो। इस body के हिसाब से आपको decide करनी पड़ती है, right? अगर मैं बात करूं यही same candle के अंदर, ये चिंदी सी wick, no problem, क्योंकि देखो परसेंटेज 99% कैंडल एक बड़ा बॉडी बना के बैठा और आधा आधा परसेंट ऊपर नीचे एक विक बना के बैठा है। इसको बोलते हैं आसान शब्दों में माराबोजू, यानी कि मॉन्स्टर कैंडल, यानी कि एक एलिफेंट कैंडल बोला जाता है। और जितना बड़ा नाम उतना बड़ा पावरफुल होता है ये कैंडल। बट आप इसको गलत यूज करते हो, मैं इसको सही यूज करता हूं। आप भी बोल रहे होंगे बड़ा आया, मैं सही करता हूं, आप हर कोई यही बात करता है। मेरे दोस्तों लाइव एग्जांपल मार्केट में दिखाऊंगा, आप बस स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च, मैं आपको बताऊंगा यही माराबोजू कैंडल किस तरीके से पावरफुल है और किस तरीके से आप यूज करते हो कचरे की तरह, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो ये माराबोजू जब कैंडल, मान लो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, यहाँ पे मान लो डोजी बना, डोजी बनने के बाद अगर अचानक से ये माराबोजू बन जाए, यानी कि इसमें ताकत आ जाती है कि ऊपर जाने के लिए, और कंफर्म हो जाता है ट्रेड कि यस अब ये ऊपर की तरफ ही जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। 100% कुछ नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इट इज वेरी हाई, दिस इज सिग्निफिकेंस जो माराबोजू को होता है। लोअर लेवल पे देखो काइंड ऑफ डोजी बना, पैटर्न बना, वेट किया, हॉल्ट किया, देखो हमारा डोजी भी है, उसके बाद देखो लो माराबोजू बना, धीरे 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 करके ऊपर की तरफ चले गया। तो जब जब इस तरीके का माराबोजू आता है, मॉन्स्टर कैंडल आता है, एलिफेंट कैंडल आता है, और बॉटम पे ग्रीन कलर का आएगा, पावरफुल है, नोट करना इसको। मैं लास्ट में आपको एक्सरसाइज भी दूंगा और आप सबको वो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपने क्या करा क्या नहीं करा, कौन से शेयर में है, वो मैं सब बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अब नोट करो, अगर बॉटम पे ग्रीन कलर का मॉन्स्टर कैंडल बन रहा है या माराबोजू बन रहा है, पावरफुल है। अगर टॉप पे रेड कलर का माराबोजू बन रहा है या फिर मॉन्स्टर कैंडल बन रहा है, तो पावरफुल है। अगर टॉप पे ग्रीन कलर का माराबोजू बन रहा है, मार्केट को हाथ जोड़ के पतली गली से दूर निकल लेना, नहीं तो लपेट के रख देगा, क्योंकि यही देखकर दुनिया बाई कर रही होती है। पूरे न्यूज चैनल वाले इसी बड़े कैंडल को दिखा दिखा के आपको बोला जाता है, देखो कितना पावरफुल, आज अपर सर्किट लग गया, हर जगह यही न्यूज फैलाई जाएगी और आपको लपेट दिया जाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। क्योंकि आप लॉस करोगे तो ऑपरेटर कमाएगा, ऑपरेटर का लॉस करेगा गलती से तो आप कमाओगे। तो ऑपरेटर लॉस नहीं करता, वो सिर्फ जानबूझ के आपको जिताता है, जिससे कि दो पैसा आप कमाओ, अगले दिन और पैसा लेके आओ, 10 दोस्तों को और लेके आओ, और फिर जब खेलोगे पूरा नंगा करके आपको वापस घर भेज देगा। आई एम सो सॉरी बट ऐसा ही मार्केट में होता है, इसीलिए आपका लॉस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रेड माराबोजू, जो कि आपको दिख रहा है, जो मैंने सिग्निफिकेंस बता दिया है, इसी माराबोजू, ये माराबोजू कैंडल है, इसको आपको देखना चाहिए। और जब माराबोजू का जो ऊपर अगर रेड कलर का माराबोजू बन जाए, तो इसके ऊपर ये आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग भी यूज कर सकते हो या प्रॉपर एक सॉलिड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, इसके बेसिस पे भी स्टॉप लॉस लगता है। और इसी माराबोजू के लो के नीचे फ्रेश एंट्री भी बना के आप ट्रेड कर सकते हो, सेल साइड में जा सकते हो। और दोस्तों माराबोजू का जैसे मैंने आपको चैलेंज दिया है, जो आप देखते हो मेरा
देखने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप माराबुजो में बाई सोचते हो, मैं वहां पे अपनी पोजीशन एग्जिट करने का सोचता हूँ, माल को चिपकाने का सोचता हूँ। अगर इसके ऊपर आपको माराबुजो के ऊपर मॉस्क कैंडल एलिफेंट कैंडल के ऊपर एक फुल फ्लैश वीडियो चाहिए विद मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी के साथ, ऊपर देख लो आई बटन पे, यहाँ पे मैं पिंग करवा दूंगा अपनी टीम से बोल के। इस स्ट्रैटेजी को देखना ना भूलिएगा, एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। आप भी देखो, मैंने अपने लाइव एग्जांपल दिखा रखे हैं किस किस स्टॉक्स में मैंने अपना लगा रखा है और उसके बेसिस पे मेरे पोर्टफोलियो में कितने परसेंट आ रहा है। तो डोंट मिस, अभी के अभी जाके चेक करो, ये स्ट्रैटेजी हो जाएगी आपकी। थैंक यू। सो गाइस, ये चार फेवरेट पैटर्न्स मैंने आपको सिखा दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। अब मैं चाहता हूं आपको एक होमवर्क दूं और होमवर्क के बाद मैं एक और सेटअप पावरफुल बताऊंगा, क्योंकि अगर इसके बाद जो मैंने अब दूंगा वो अगर आपने सीख लिया ना मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं बड़ा ऑपरेटर कहां पे एंट्री लेता है आपको वो पता चल जाएगा, बड़ा ऑपरेटर कहां पे अपना माल आपको चिपकाता है वो भी आपको पता चल जाएगा, वो भी प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। अभी वेट एंड वेट। तो होमवर्क क्या है, जो ये चार पैटर्न बनाए हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके अपने स्टॉक्स बताएं कि कौन कौन से स्टॉक्स में डेली टाइम फ्रेम में ये पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और मैं आपको आंसर दूंगा यस और नो। तो आप मुझे प्लीज मेंशन करिएगा स्टॉक का नाम, अपना टाइम फ्रेम, सो दैट मैं उस चीज को देखकर समझ पाऊं कि आप किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट एपिसोड में आपको बनाऊंगा, जो आपकी पाठशाला का एपिसोड नंबर 2 डे 2 रहेगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बिग प्लेयर्स किस जगह पे बाइंग करते हैं, किस जगह पे सेल करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कहां पे उनका डिमांड जोन रहता है, कहां पे उनका सप्लाई जोन होता है, एक छोटी सी झलक में आपको दिखा दूं। अगर एक पावरफुल डिमांड जोन है तो यहां पे ऐसा कौन सा पैटर्न दिखे जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा मार्केट को वापस लो पे आए, डिमांड करे और फिर वापस ऊपर जाए। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में आपको सिखाऊंगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। और ये सीख लिया तो मेरे दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक रुपया किसी को नहीं देना है। मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, मैं आपको स्टॉक मार्केट का ऐसे ऐसे मंत्र दूंगा ना कभी आपने कभी देखा होगा ना सोचा होगा, और ओपन चैलेंज कर रहा हूं, किसी किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किंग रिसर्च का एक्सपीरियंस ही मैं आपको दे पाऊंगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, कैसा लगा, क्या आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है उसको भी करना, सो दैट मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके टॉपिक जो फेवरेट टॉपिक है उसको भी कवर कर सकूं। आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, थैंक यू सो मच। मेरी लाइव एनालिसिस मार्केट क्लास में जुड़ना चाहते हो, ओपन योर अकाउंट विद अस, ओपन लिखो कमेंट में, आपको लिंक मिल जाएगा और मेरे पर्सनल सेटअप के अंदर आप आ जाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा लाइव। जय हिंद।